ये ओएसला मैंने बोला बट इस मैंने मत नहीं बेसन लेकर ट्रेन वी आर प्लेइंग एंड स्काई ब्लॉक और आज के एपिसोड में हम और उन्होंने डरा पाया तो फाइनली अपने इनको मार दिया है। और मैं ये कह रहा था कि आज के एपिसोड में हम विलेजर का बंदोबस्त करने वाले हैं। पहला तो मेरा प्लान था कि आज के एपिसोड में हमें जो है मतलब क्या नाम है मैं भूल जाता हूँ पता नहीं क्यों। आज के एपिसोड में मेरा प्लान था कि हम जो है वो बनाएं मतलब एक फॉर्म बनाएं, बट एंड देन मुझे ख्याल आया कि फॉर्म की हमें क्या ज़रूरत मतलब वो वाला फॉर्म क्या नाम है जिसमें हमें वीट उगा सकें और क्यों वीट हम क्यों उगाएं ये आता है वीट इसलिए उगाएं ताकि हम विलेजर्स की ब्रीडिंग करवा सकें। क्योंकि बाद में मुझे ख्याल आया हमें ब्रीडिंग करवाने का क्या तो ब्रीडिंग तो हमें करवानी नहीं क्योंकि हम बस तो स्पॉनर है वो स्पॉन करता रहेगा और जब हमें नहीं करवानी होगी तो हम टॉर्च लगा देंगे सिंपल ठीक है। सो इसलिए मेरे दिमाग में ये बत्ती सी जल लगाई और फिर मेरे दिमाग में मैंने सोच लिया कि ये तो हम नहीं करने वाले और मैंने उसके लिए प्लेटफॉर्म तो बना लिया लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले मैं स्टोन ब्रिक्स बना लूँ ताकि और हाँ जितने मैंने आयरन स्मेल्ट करने के लिए लगाए थे उन आयरन का जो है मुझे बनाना पड़ेगा एक क्या नाम है मुझे आयरन से जो है बनाने पड़ेंगे मुझे मतलब डोर्स मतलब जो जो भी मेरा सारे प्लान था सारे टूट गए कि मेरे फाइनेंस कहाँ गए मैंने इसमें आयरन नहीं डाले। वेयर इज़ माई आयरन मेरे ख्याल से मैंने आयरन बना के रख लिए थे ये रहे मेरे 11 आयरन्स जो कि अब सबसे पहले उनका ये बनने वाला है एंड देन एक मैं बूट सी बना लेता हूँ। नहीं यार मैं उल्टे फुलटे काम पता नहीं क्यों करता हूँ मुझे पता है क्या बनाना चाहिए थे और इस एक आयरन से मुझे बना लेनी है शील्ड एक जिसके लिए मुझे चाहिए वुड और ये आ गई मेरी वुड और एंड नाउ मेरी क्राफ्टिंग टेबल ये रही और अब मुझे ये लेकर अब मुझे बना लेनी है एक शील्ड। उफ फाइनली अब मैं समझ लूँ फाइट के लिए ना मैं ज़्यादा प्रिपेयर हूँ सो लेट्स गो टू मेक इट। और मैंने जो है स्किल लेना समझ लिया प्लेटफॉर्म जो है ना मैंने पहले ही बनाया है सो मैं ज़रा आपको एक मतलब प्लेटफॉर्म भी दिखा देता हूँ और जितने भी एंड स्टोन मिल रहे हैं मैं लेते जाता हूँ बिकॉज एंड स्टोन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड। एंड लेट्स क्रिएट ओ भाई मैं क्या करने लग गया एक तो अब तो मेरे पास नेदरराइट की पिकैक्स है एक नेदरराइट की चेस्ट प्लेट है सो मतलब अब ना ज़्यादा मॉन्स्टर्स से ना डर वर नहीं लगता मुझे। और बाकी फ्लोरिंग तो जो मैं सैंड स्टोन की रख देते हैं क्या जा रहा है हमारा हमें तो बस विलेजर्स के लिए घर बनाना है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको जो ज़रा डिज़ाइनिंग से बनाऊँ मतलब ऊपर पूरा कांच ही कांच हो बट आई थिंक आपको पता है कांच इज़ वेरी वेरी महंगा ओके मैं गलत बना रहा हूँ नाइस मुझे इतना तो ये छोटा ही हो जाएगा ना मेरे ख्याल से 4 इसके लेकिन आई डोंट केयर डेट इट वॉज छोटा ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर डोर लगा देता हूँ हमारे नाइस और अब मेरा तो ख्याल है कि मैं बाकी जो हूँ किसी दूसरी चीज़ से बनाऊँ पहला मतलब कांच लगाना चाह रहा हूँ बट कांच इज़ वेरी वेरी महंगा आपको पता ही है सैंड के लिए मैं इतने सारे एंड स्टोन चाहिए पूरे 5-6 स्टैक्स चाहिए सिर्फ 3 सैंड बनाने के लिए भी सो सैंड से कांच बनाने का वो तो जो है चकनाचूर हो गया सो शुड वी यूज़ वुड मैंने कहाँ लगा दिया अब ये लगाया है ना इसको भी हम तोड़ देते हैं और मैं इसको अभी तो खैर कोई बात नहीं अभी हम इसको ऐसे ही खींचते हैं नाइस अभी तक तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मतलब कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा हो तो बता दो नहीं लग रहा तो नहीं बताओ मतलब नहीं लग रहा तो भी बता दो मतलब जो मेरे पास एक आयरन का डोर बचा है मुझे पास कोई आइडिया नहीं है मैं इसका क्या करने वाला हूँ बट आई थिंक इट इज़ नहीं पहले मैं अंदर चले जाऊँ फिर मैं दोबारा आ नहीं सकता मुझे नाइस अब जो ये वाली जगह है यहाँ पर मैं कन्फ्यूज़ हूँ शुड आई यूज़ माई वुड मैं एक काम करता हूँ ना मैं ये कर लेता हूँ क्योंकि बच्चे भाग सकते हैं ना यही तो नहीं चाहता ना मैं बच्चे भागें सो आई थिंक दैट वी शुड मेक मतलब क्या ब्लॉक मैं यूज़ कर सकता हूँ सोचो शुड आई यूज़ लीव्स आई हैव नो आइडिया डैट विल इट बी बेस्ट और मेरा पता नहीं इतना लैग करने लग गया
लेट मी यूज शेयर्स, और आई थिंक वो है मेरे पास, ये रहे मेरे शेयर्स। और अभी हम ले लेते हैं ये, मतलब सारे ओके लेने वाला हूँ मैं, बस सबसे ज़्यादा क्योंकि ओके है। ओ भाई मैंने ज़्यादा ही ले लिया ना, 28 और 28 से समझ लो 29 है ना, 29 30 34 समझ लो, पानी बना सकता हूँ अभी। बट पानी की किसको है ज़रूरत, और मेरे ख्याल से मुझे कॉर्नर्स पे इसी का इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ लुकिंग गुड भाई। वैसे तो ओके लीजिए बहुत ज़्यादा चमकते धमकते हैं, बट इस मरतबा ना दीज आर नॉट चमकिंग और धमकिंग। ओह उसने एप्पल दे दिया, ड्रॉप कर दिया, वाह पहले उसने ही एप्पल, अब मैं इसको इधर लगा देता हूँ। नाइस, इट्स नॉट लुकिंग बैड। और अब हमें जो करनी है वो है इसकी सिर्फ और सिर्फ फ्लोरिंग, सो लेट्स गो टू मेक इट्स स्लैब्स। आई हैव नो आइडिया कि 42 इनफ हैं या नहीं है, बट मेरे हिसाब से दीज आर इनफ। और सबसे पहले तो जो है मुझे इसका एक ब्लॉक एक लेयर और लगानी पड़ेगी, इसमें मेरे पास एंड स्टोन थे, मुझे एंड स्टोन का इस्तेमाल करना चाहिए था, मतलब क्योंकि मुझे जो है इनकी कमी पड़ चुकी है। एम आई राइट, आई थिंक आई एम राइट, बट मेरे पास एंड स्टोन है और यही फोन हमारी क्राफ्टिंग टेबल भी है, तो भाई बस नीचे नहीं गिरना क्योंकि मेरे पास जितनी चीज़ें हैं ना उन चीज़ों के बाद तो फिर मैं मतलब बिल्कुल भी नहीं चाहता जितनी भी सारी चीज़ें हैं। नैदर राइट का सामान है मेरे पास, और ये एंडर राइट तो नैदर राइट से ज़्यादा तगड़ी चीज़ है। अब हम जो इसकी सिर्फ और सिर्फ फ्लोरिंग कर देते हैं एंड देन इट विल बी गुड। और जैसे हमें और विलेजर्स नहीं चाहिए होंगे हम क्या कर देंगे, हम पॉज कर देंगे, मेरा मतलब टॉर्च वॉच लगा देंगे उस पर, फिर स्पॉन नहीं होंगे। यार बस गिरना नहीं है मुझे, मैं इतना बड़ा गधा क्यों हूँ, जब मुझे पता है कि मैं वहाँ से गिर सकता हूँ तो मैं इस तरफ होके कर लूँ, क्योंकि इस तरफ से तो हमारा पक्का है हम गिरेंगे ही नहीं, वरना पहले मैं कितना गिरता था ना इस मतलब इस सीरीज़ में। चलो कमी पड़ चुकी है फिर से ही, अब मैं क्राफ्टिंग टेबल यहीं पर ही बनाने वाला हूँ। सो नाइस एंड नाउ लेट्स क्राफ्ट, बस आई थिंक 12 विल बी इनफ। शुक्र है मैंने 6 नहीं बनाई वरना फिर अभी कमी पड़ जाती। एंड इट्स टाइम टू प्लेस टॉर्चेस, बस एंड रॉड्स जो है ज़्यादा सस्ती हैं तो पता नहीं फिर मैंने एंड रॉड्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, बट चलो खैर। ओह आई रिड्यूस माई डैमेज, अब मुझे चाहिए बटन जो कि बनेंगे स्टोन से, नहीं वुड से ही बन सकते हैं बटन, तो मैं काम करता हूँ ना एक लॉक को हम लेके ही चलते हैं अपने साथ ऐसे। क्या मेरे पास 2 बटन, वैसे आई डोंट थिंक मुझे 2 की ज़रूरत है, मुझे पूरे के पूरे 4 की ज़रूरत है। नाइस, अब जो हमारे पास ये डोर है हम इसको लगा देते हैं यहाँ पे। नाइस गाइस हमारा ये तैयार हो चुका है, जो भी है ये हमारा मतलब अच्छा दिख रहा है। ओके नाइस लेट्स गो, और अब हमारा काम है वहाँ पे स्पॉनर लगाना है इसका, और मैं ये चाहता हूँ प्लीज़ स्पॉन हो, आ जाओ। ओ भाई मैंने अंदर आई थिंक टॉर्चेज नहीं लगाई ना, मॉब दुनिया भर के स्पॉन हो जाएंगे। सबसे पहले ना मैं टॉर्चेज लगा दूँ वहाँ पे, ज़ॉम्बी वॉम्बी स्पॉन हो गए फिर तो लग जाने हैं मेरे। नाइस लेट्स गो टू टेक, और मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ब्लॉक भी ले आता हूँ, मतलब सब कुछ ही ले आता हूँ मैं अपने साथ। नहीं फर्नेस चाहिए, ये चाहिए ये, अच्छा ये तो एक्स से टूटेगा ना। नाइस बाकी आई थिंक ये भी है एक ब्लॉक, सो मैं इसको भी ले चलता हूँ। भाई नैदरराइट के पिकैक्स है, कोई मजाक तो नहीं है ना। अरे हाँ विलेजर का स्पॉनर तो मैं लेके जाऊँ, सबसे नीचे वाली में होगा ना ये, और ये स्पॉनर पता नहीं इसको मॉन्स्टर स्पॉनर क्यों कहते हैं, अभी तो ये बनने वाला है विलेजर स्पॉनर, मतलब बस स्पॉनर रख देते इसका नाम, उन्होंने तो ये रखा हुआ है। सो चलो खैर अभी मैं बिल्कुल भी टॉर्चेज नहीं लगाने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं टॉर्चेज लगाएं सो विलेजर्स विल नॉट स्पॉन।
बिल्कुल सही लगा दिया हमने और आवाज़ आ गई है मुझे. इज समवन स्पॉन्ड. माय गॉड. अब बस मुझे ये तीनों निकालने दो. ओ नो, ये तो बहुत ज़्यादा स्पॉन हो रहे हैं. बस बस बस, टॉर्च है मेरे पास. टाइम टू प्लेस टॉर्चेस हियर. जब स्पॉन कराने होंगे मैं और लगा दूंगा. और अभी हम यहाँ पे टॉर्चेस कर देते हैं. अब तो स्पॉन नहीं हो रहे ना, बस नाई से. अब हमें चाहिए बहुत सारे बेड्स. सो आपका बेच दो मुझे पेपर के बदले, जो कि बहुत ज़्यादा कीमती हैं, जो कि मैं नहीं ला सकता. अभी सो सॉरी. रैबिट्स यहाँ पे स्पॉन होने नहीं वाले. ये क्या है, फ्लेचर कोल मैं ला सकता हूँ, बट नहीं, मैं चार कोल ही ला सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ. वो तो नेट वीडियो कुछ बेचता नहीं है. ये है लेदर वर्कर. लेदर आई कैन इकट्ठा. और ये भी लेदर वर्कर, बट मुझे सबसे पहले बेड्स चाहिए, बिकॉज बेड ही मैं सबसे ज़्यादा मेन चीज़. तो बेड नहीं होंगे तो फिर ये लोग कुछ नहीं करने वाले. ओके, हु से यू टू स्पॉन. ठीक है, अब आई थिंक वूल तो पड़ी हुई है. ओ नो, ये किस, अभी ये कहाँ से आ गई. ओ नो, अब मैं मरने वाला हूँ या ख्याल से. खैर अभी तो मैं ले लेता हूँ, वो क्या नाम है उसका. सो अभी तो जो हूँ मुझे चाहिए, क्या नाम है उसका, मैं क्या लेने आता हूँ मैं भूल जाता हूँ. अभी मुझे चाहिए एक बेड. बेड के लिए भी चाहिए वूल. सो मैं वूल देखता हूँ. 10 वूल्स है मेरे पास. ऊपर कितनी है, ऊपर तो है ही नहीं. अब मैं ज़रा सी वूड ले लेता हूँ ताकि मैं बेड बना सकूँ उनके लिए. वैसे ये तीन ही बेड बन पाएंगे क्योंकि मेरे पास वूल कम है, बाकी वुड तो है बहुत सारी. सो अब जैसे मैं बेड लगाऊंगा तो इनकी मतलब ज़िंदगी सफल हो जाएगी. ऐसी बात है ना. ये तो ख़त्म हो गया, अब मैं एक ये पी लेता हूँ क्योंकि ये फिर कब काम में आने वाला है. जब मेरे अंडर ड्रैगन से फाइट होती, जब ये काम में आता, मैं इसको स्प्लैश पोशन बना लेता. क्या कर रहा हूँ मैं. और एक तो इसमें अच्छी बात है, मुझे मतलब एंड पोर्टल बनाने के लिए ना जाना नहीं पड़ेगा. ये तो इधर ही बैठे हुए मेरा. आई थिंक वो ओके. सो आई शुड प्लेस 3 बेड्स हियर. तीनों तो लगा दिए. ओह याद है मेरे पास एक वो भी तो थे. मेरे पास वो है ना बेल, मैं बेल बजा देता हूँ. सब बेल से कनेक्ट हो जाएंगे ना, सो फिर ये लोग एक जगह पे ही रहेंगे जो कि मैं चाहता हूँ. सो लेट्स गो एंड टेक आवर बेल. मेरी बेल ऊपर रखी है मेरे ख्याल से मैंने उसके ऊपर. अरे होरी, ऊपर रखी हुई है मेरी बेल, मुझे याद आ गई. एंड नाइस, लेट्स गो. एंड मैं इसको, चलो यार प्लीज़, बस मैं ज़रा एक मतलब बेल बजा दूंगा ना, फिर ये लोग आ जाएंगे मुझे यकीन है. वो बंदा क्यों नहीं आया. ओ वो आ चुका है, उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अबे भाई जा, चल चल. रुको यार, मुझे पता है मुझे क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक दिस बेल. और अब मुझे ऊपर जाने दो. मेरे ख्याल से वो आर्मरर जो अपनी मौत मारेंगे. सो चलो कोई बात नहीं, हम उसको मौत दे देंगे. सबसे पहले तो अभी मैं बेल लगा देता हूँ. यहाँ पे लगा देते हैं, हम हवा में तो लग नहीं सकती. सब कनेक्ट होगा इससे. नाइस. और अब सारे जो अपने अपने काम भी कर रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स में, जिनको जो काम दिया हुआ है. कोल के बदले 4 एमरल्ड्स के बदले अभी मुझे चाहिए जो कि एक फार्मर के लिए मुझे कंपोस्टर बनाना पड़ेगा. परेशानियाँ हो रही हैं अभी. लेट्स गो टू मेक कंपोस्टर विद वुड्स. और बाबा वुड बहुत सारी पड़ी हुई है, सो मैं अपनी वाली वुड से बना लूँगा. पहला मुझे चाहिए एक वुड बनाने के लिए. अरे क्या मैं वुड बनाने के लिए बोले जा रहा हूँ. अभी मुझे
चाहिए वुड ताकि मैं बना सकूँ एक कंपोस्ट हो, ठीक है। और अभी मैं सोचता हूँ ज़रा से मैं चारकोल भी बना लूँ। और आई थिंक आई शुड क्रिएट टू मच, तीन बना लेता हूँ मैं और तीनों के तीनों हम जो बना देंगे फार्मर ताकि दे विल ड्रॉप समथिंग गुड। लगता है तुम्हें मेरी स्वॉर्ड का ही पटाखा नहीं बता, तो कि अंडरराइट की स्वॉर्ड है 10+ डैमेज है बेटा इसका। नैदर राइट की स्वॉर्ड होती है ना, उसमें शार्पनेस 2 लगा लोगे जब बनेगा इतना डैमेज। बढ़िया है। और मैं एक काम करता हूँ ना, मैं इसको तोड़ता हूँ और यहाँ लगा लेता हूँ। ये नाइस कनेक्ट हो रहे हैं फिर भी, क्योंकि मेरे पास जो है ना ये कम जगह होने वाला है। सो अब कोई इधर आना नहीं चाहिए वरना सब वो सब गिर जाएंगे। कोई गिरेगा तो नहीं ना, वो गिर सकते हैं लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सो ये सब तो सो रहे हैं क्योंकि रात हो गई है, बट मेरे पास बेड नहीं है। जो जिसको फार्मर बनना था कि सब बन गया नहीं, तो सिर्फ एक बंदे बना है वीट। नाइस। सो अगले एपिसोड में बनाएंगे हमारा फार्म ताकि हमारे जो है मतलब वीट्स भी उग सकें। सो वेरी वेरी गुड हो गया भाई। अब इंतज़ार करना है एक और जंगल सैपलिंग का ताकि हम बना सकें और वीट। इट्स टाइम टू, नहीं ये खुद ही ड्रॉप होएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको वापस लगाया था ताकि हमारे दरख्त की शान और शौकत बरकरार रहे। ओ नो, आपको किसने कह दिया आने का? मैं आपको नाम मारना चाहता हूँ, मैं नीचे फेंकना चाहता हूँ, बट आप गिर गए हो। सो इसमें कोई मेरा वेरा फॉल्ट नहीं है, ठीक है। एंड बाय बाय चिकन, आप क्या कर रहे हो मेरे एंड पर अंडरबल जनरेटर के पास? कहाँ से इतने मॉब स्पॉन होने लग गए? मैं उधर बिल्कुल नहीं जाने वाला बिकॉज मुझे पता है मैं मर सकता हूँ। भागो भागो भागो, वो अंडरमन के पीछे पड़ गया ना? नहीं, मैंने पढ़ाया है उसके पीछे अपने। ओ नो, मेरा एक आर्मर तो टूट गया प्लीज। मैं खा उधर लैगिंग से टूटी होंगी मेरी। गया, एंडरपल मिल गई मुझे। नहीं नहीं, कलेक्ट करो घर पे आकर जल्दी से इनके ब्लॉक्स बनाते हैं ताकि हम एक और कॉबलस्टोन जनरेटर बना सकें। ओके, मेरे पास काफ़ी सारी अंडरपल्स हो गई हैं। एंड इफ आई गो हेयर, नहीं ऊपर ऊपर है। ओ ये क्या हो रहा है? ओके इधर हो रहा है फिर, मान लो उसका मतलब कुछ। बट तुम लोग सबका प्लम जो फूड खा लेंगे तो मेरी हेल्थ भी बढ़ते रहे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, वो मैं मरने वाला हूँ क्योंकि मेरी स्वॉर्ड इतनी पावरफुल है ना कि इनको तीन पटाखों में मार देती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी और तूफानी बात है। एंड लेट्स गो। और अभी मैं जो हूँ जितने सारे ग्रेवल्स बना के अब मुझे जो है बनाना है वो है मेरा आर्मर अच्छा से अच्छा, ठीक है। और मैं काम करता हूँ, मैं ना यहाँ पर ये लॉक डालता हूँ, यहाँ ये डालता हूँ। पहले ना मैं एक तो मेरी इन्वेंट्री फुल्ली फुल हुई हुई है, पहले इसको स्लैब को, नहीं स्लैब नहीं, इसको मैं इस लकड़ी को दे देता हूँ, फिर हम दे देंगे इस एक स्लैब को। ये ले भाई एक और स्लैब ले ले। एंड ये हो जाए फिर मैं इसको भी दे देता हूँ, इसको ये भी दे देते हैं, फिर हम ये वुड दे देंगे। और अब जितने मेरे पास हैं ना, सबसे पहले मैं सबके बना लेता हूँ स्टोन्स, ठीक है, क्योंकि 35 मिल चुके हैं। और इसमें हम ना बेबी ड्रैगन को भी हैच कर सकते हैं, और एंड्रो बॉस है इसका सबसे बड़ा बॉस, उसको भी हम हैच कर सकते हैं। सो उसको भी हम हैच करेंगे बाद में। ये बस हमें एक मुर्गी का अंडा चाहिए एंड्रो बॉस से फाइट करने के लिए, लेकिन वो समझ लो एज हमारा सेकेंड बॉस है, सो अभी हम उससे बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते। अब देखो अब जाके से वो सिर्फ एक सैंड बनेगी, कितने सारे उसको एंड दिए। गाजर आलू दे दो बस, नहीं आलू नहीं दिया। अभी मेरे ख्याल से मुझे इन सब को रख देना चाहिए बिकॉज मेरे पास मेरे ख्याल से एससिया इसको मैं उगा सकता हूँ, और सिप्रूस को यहीं पर रख देते हैं। बिर्च को भी मैं उगा सकता हूँ, सिप्रूस को और यहाँ पर रख देते हैं। अभी मैं ग्राफिक टेबल में जाके जो बना लेता हूँ ब्लॉक्स,
काश इसकी रेसिपी शो हो जाती तो कितना अच्छा होता। मैं बहुत सारे सारे रखता हूँ हर कोने पे, एटलीस्ट तीन तो तीन नहीं एक और। कहाँ पे तीन नहीं है? ओके इन दो जगह पे नहीं है, एक यहाँ रख देते हैं और एक यहाँ रख देते हैं। चलो तीन ब्लॉक्स तो आ गए ना, अच्छा वहाँ पे भी नहीं थे, नाइस तीन ब्लॉक्स तो आ गए ना। अब हर जगह दो दो रखते हैं हम। नाइस और दो और आ गए, वेरी वेरी नाइस। अभी हमें जितने चाहिए वो हैं पूरे के पूरे एट। आई डोंट थिंक ये बन पाएंगे बट उम्मीद इज गुड। एक और आ गया, नाइस सेवन बन जाएंगे। हमें सिक्स तो चाहिए थे, हाँ। अब मेरी दोनों बकेट्स जो थी वो कहाँ गई, भरी नहीं है क्या मेरी दोनों बकेट्स? एक तो मेरा सामान पता नहीं कहाँ कहाँ गुम हो जाता है। मेरी बकेट्स कहाँ हैं? कहाँ गई यार मेरी बकेट्स? कहीं क्राफ्टिंग टेबल में जब हम बनाते तो बकेट गायब तो नहीं हो जाती? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। अभी हम यहाँ पर रख देते हैं हमारे आयरन का है मेरा, मेरा आयरन कहाँ है? ये रहा मेरा आयरन, ये कोल निकालते हैं यहाँ से। और अभी ना मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इसको डाल देता हूँ और फिर मैं जाऊँ बाकी अपने सारे कोल डाल दूँगा। नाइस अभी मैं अपने आप से ख़त्म कर देता हूँ। मुझे पता है मैंने आपका बहुत सारा टाइम ज़ाया किया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम तब तक के लिए, बाय बाय।